नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स विद इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास टेंथ पॉलीनोमियल में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जहां हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल के बारे में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए थे रिलेटेड टू अ पॉलीनोमियल, जहां हम लोगों ने बात किया था वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल और जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल के बारे में। तो आपको पता चल गया होगा कि वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है और जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा था, जिस क्वेश्चन के बेसिस पे कैसे जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल फाइंड आउट किया जाता है वो चीज़ हम लोगों ने सीखा था। मैंने वहाँ बताया था कि आपके पास एक पॉलीनोमियल दिया गया होगा, वो पॉलीनोमियल किसी भी डिग्री का हो सकता है, इधर वो फर्स्ट डिग्री हो सकता है या तो उसमें सेकंड डिग्री हो सकता है या तो थर्ड डिग्री, कुछ भी डिग्री का पॉलीनोमियल होगा और उस पॉलीनोमियल का आपको बोला जाएगा जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जितना पॉलीनोमियल का डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोज़ निकलता है। जीरोज़ मतलब कि उस पॉलीनोमियल में यूज किए गए जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके चलते हमारा पॉलीनोमियल का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाए, जीरो निकल जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि मान लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर है। ठीक है, ये हमारा एक पॉलीनोमियल है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। मैंने आपसे बोला कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करो, मतलब सबसे पहले आप ये देखोगे कि हमारा ये क्या है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री है हमारा 2। तो अगर इसका डिग्री 2 है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरोज़ का मतलब मैंने बताया था रूट्स या तो सॉल्यूशन, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो इसके ज़ीरोज़ भी हमारे 2 होंगे। तो इसका ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, तो ज़ीरोज़ का मतलब हुआ एक्स का यहाँ पर ऐसा 2 वैल्यू होगा जिसको रखने के बाद हम बोलेंगे कि हमारा जो पी ऑफ एक्स नाम का पॉलीनोमियल उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यही एक्स का वो जो 2 वैल्यू है हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलीनोमियल का जीरोस कहलाएगा। तो हम लोगों ने एक मैथमेटिकल तरीका सीखा था जहां हम लोगों ने देखा था कि इस पॉलीनोमियल का जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि अगर जिस पॉलीनोमियल का आपको जीरोस फाइंड आउट करना है उस पॉलीनोमियल को आप जीरो से इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट करने के बाद वो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं अब क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो उस पॉलीनोमियल को हम इक्वेशन कहना शुरू कर देंगे। जैसे ही उसको हम इक्वेशन कहना शुरू कर देंगे तो उस इक्वेशन का हम निकालेंगे जीरोज या बोल सकते हो सॉल्यूशन या बोल सकते हो रूट्स। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन या रूट्स हम आसानी से देखेंगे। तो अगर यही चीज़ मान लो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो है, तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैंने सिखाया था फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो, लीनियर फैक्टर्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर बराबर कितना, जीरो। इट मीन्स एक्स प्लस फोर भी जीरो के बराबर होगा और एक्स माइनस फोर भी जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना, सॉरी एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वैल्यू माइनस टू और ये हो जाएगा एक्स वैल्यू कितना, टू। तो हम लोगों ने देखा कि माइनस टू और टू हमारे वो 2 वैल्यूज़ हैं जिसको अगर यहाँ हम रखते हैं तो हमारा पी ऑफ एक्स कितना दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा। ठीक है, तो यही दोनों हमारा क्या कहलाए, जीरोज। तो ये एक मैथमेटिकल तरीका हम लोगों ने सीखा था जीरोज़ निकालने का। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग यही माइनस टू और टू जो जिसको हम बोल रहे हैं जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, उन जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल को हम निकालना सीखेंगे। बट इस बार मैथमेटिकल तरीका नहीं, इस बार हम अपनाएंगे क्या, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज का क्लास जो हमारा है वो आज का क्लास हमारा किस पे बेस्ड है, तो आज का क्लास हमारा बेस्ड है ग्राफ के ऊपर, जहाँ हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना सीखेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, और वहाँ हम कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे जो कि रिलेटेड टू हमारे क्या होंगे, पॉलीनोमियल्स होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल निकालेंगे बट मैथमेटिकल प्रोसेस से नहीं, हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल मेथड के बेसिस पे फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल बाय ग्राफ, जिसमें हम लोग तीन, ठीक है, पॉलीनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है, फॉर
फाइंडिंग जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉइनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉइनोमियल के बारे में बात करेंगे, जहां सिंपल मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं यहां पे आपको समझाऊंगा कि अगर आपको लीनियर पॉइनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले में आपको मैं क्या समझाऊंगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना मैं सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं, ग्राफिकल मेथड से बात करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, सेम वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉइनोमियल, मतलब ग्राफिकल मेथड द्वारा जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉइनोमियल हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग इस आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो आपके आने वाले क्लासेस होंगे 11th 12th क्लास, इन चीज़ों में आपको ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको काम देगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है कि ये तीन टॉपिक आप लिख लें, फिर हम बारी बारी करके इन तीनों को अलग से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप क्या करें, स्नैपशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके तीनों चीज़ को लिख लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों किस चीज़ का, तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहला चीज़ मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल के बारे में, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप यहाँ समझ के रखना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल मेथड के अनुसार हम बात करने वाले हैं जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बातें हैं वो आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना आप, हम बात जब लीनियर पॉइनोमियल का करते हैं, ठीक है, अगर हम बात किसका करते हैं, अगर बात हम लीनियर पॉइनोमियल का करते हैं, तो लीनियर पॉइनोमियल के देखने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री होगा हमारा कितना, 1, ठीक है। लीनियर पॉइनोमियल मतलब कितना बच्चों, तो लीनियर पॉइनोमियल का मतलब डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए अगर लीनियर पॉइनोमियल का डिग्री 1 होता है, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉइनोमियल का, तो अगर आपके पास मान लो सिंपल सा बात है, एक आपके पास पॉइनोमियल दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास जो एक इक्वेशन दिया, सॉरी एक पॉइनोमियल जो दिया गया, वो पॉइनोमियल क्या है आपका 2x-4, ठीक है। मैंने बोला बच्चों कि 2x-4 का, ठीक है, जीरोज ऑफ दिस पॉइनोमियल 2x-4 क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x-4 का जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉइनोमियल फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल तरीका जो हम लोगों ने सीखा था, तो आप 100% क्या करोगे, अगर आप मैथमेटिकली इस चीज़ का जीरोज फाइंड आउट करना चाहोगे, तो आप पक्का क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे फॉर फाइंडिंग आउट द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर करोगे, मतलब 2x-4, पी ऑफ एक्स किसको बोल रहे थे, 2x-4 को, तो उसके जगह मैंने 2x-4 लिख दिया, इसको किसके बराबर मैंने कर दिया, जीरो के बराबर। अब ये लीनियर पॉइनोमियल नहीं कहलाएगा दोस्तों, अब ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन, ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन, बिकॉज पॉइनोमियल को जैसे ही हम लोगों ने जीरो से इक्वेट किया, ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, दैट्स वाई इसको हम अब क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इस लीनियर इक्वेशन का अब हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, या बोल सकते हो सॉल्यूशन निकालना है, या बोल सकते हो रूट्स निकालना है, मतलब सीधी सी बात है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, लीनियर पॉइनोमियल मतलब डिग्री कितना हुआ, 1, अगर जिसका डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या बोल सकते हो जीरोज, या बोल सकते हो रूट्स, वो भी कितने होंगे, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि इस लीनियर इक्वेशन का रूट्स कितना होगा, जीरोज कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा, तो 100% सिर्फ 1 होगा, मतलब x का सिर्फ 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 2x बराबर क्या लिखोगे यहाँ, 4, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा x बराबर कितना, 4/2, इट मीन्स यहाँ हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू कितना आया, 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है, तो ये x हमारा, x बराबर 2 हमारा क्या है, जीरोज ऑफ दिस लीनियर पॉइनोमियल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात किया, ये हम लोगों ने निकाला किस तरह से, ये हम लोगों ने निकाला मैथमेटिकली,
ठीक है, मैथमेटिकली इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल फाइंड आउट किया, जिसका वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, ये मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ये जो x बराबर 2 आपने निकाला है, ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो हमारा ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच का, किस तरह से बात होगा वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इस चीज़ का स्नैपशॉट लेकर के पहले लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे कि कैसे इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली कि इस चीज़ का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, पी ऑफ एक्स हमारा कितना था, पी ऑफ एक्स हमारा था 2x-4, है ना। और आपसे मैंने बोला इसका ग्राफिकल, ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना बाबू, कुछ नहीं करना है, इस पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख देना, वाई लिख देना। ठीक है, और इस वाई इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, 2x-4। क्यों लिखा मैंने वाई इज इक्वल टू 2x-4, ध्यान देना बाबू, आप लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, जहां आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन देखा होगा, लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने ग्राफ बनाने के लिए सीखा होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम कभी भी ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बनाने से पहले हमें दो चीज़ ध्यान देना होता है कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। अगर ये पूरा एक्स एक्सिस है तो यहाँ से लेकर कि ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को एक जगह काट रहा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, उस ओरिजिन को मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0.0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ का हम बात कर रहे हैं, तो आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोगों ने नाम दिया क्या, इसको नाम दिया हम लोगों ने ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है बच्चों, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0.0। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने ओ नाम का पॉइंट लिखा है ओरिजिन के लिए, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने मेंशन किया है 0.0। ठीक है, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, और इंटरसेक्ट करने के बाद ये पूरे प्लेन को, ये मेरा क्या है, पूरा प्लेन है, उस प्लेन को चार पार्ट में बांटता है, जिसमें से हमारा पहला पार्ट ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए, अब इसी चीज़ के बेसिस पे, इस चीज़ को हम पूरे के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करना होता है, मान लो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट यहाँ लोकेट किया है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते थे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते थे और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते थे, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो ये हमारा 0, ये मेरा 1, ये 2 है, ये हमारा 1, ये हमारा 2 है। ठीक है, तो ये 2 के परपेंडिकुलर गया, ये भी 2 के परपेंडिकुलर गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2.2। पहले हम क्या लिखते हैं, x, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग y, तो 2.2, ये हमारा इस पॉइंट का क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब भी हम लाते हैं, तो उसके लिए हमें x और y दोनों का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे जब हम बात करेंगे ग्राफ का, जब भी हम बात किसका करेंगे, ग्राफ का बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि हमारे पास x और y दोनों होने चाहिए इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x-4 एक पॉइनोमियल दिया गया था, तो इस p ऑफ x का कुछ तो वैल्यू होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस p ऑफ x का कुछ तो वैल्यू होगा, तो वो p ऑफ x का कुछ जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, वाई। ठीक है, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ वाई इज इक्वल टू p ऑफ x, अगर y बराबर p ऑफ x है, तो इस p ऑफ x के जगह मैंने लिख दिया क्या, 2x-4। ठीक है, तो ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू 2x-4 एक
लीनियर इक्वेशन क्या बन गया, ये दिख सकता है आपको पूरे जगह, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई नाम का दो वेरिएबल दिख रहा है, जहाँ इस और एक्स और वाई नाम के वेरिएबल के ऊपर जो पावर आपको दिख रहा है, जो वेरिएबल के ऊपर पावर जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, वन है। तो हर जगह बोल सकते हो पावर वन होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, एक लीनियर, और इक्वल टू का साइन होने का मतलब क्या बन गया, इक्वेशन। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेसिस पे, ठीक है, इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि जब तक y इज इक्वल टू के एक्स वाले के फॉर्म में हमारा ग्राफ नहीं आएगा, मतलब हमारा इक्वेशन नहीं आएगा, तब तक हमारे लिए ग्राफ बनाना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको खुद पता है ग्राफ बनाते समय आप एक्स का वैल्यू रखते थे और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ आता था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या समझना है कि जो हमारा पॉइनोमियल होता है उस पॉइनोमियल को किसके बराबर मानना है आपको, वाई के बराबर। तो हम लिख सकते हैं एस पी ऑफ एक्स बराबर 2x-4 था, और जब वाई बराबर पी ऑफ एक्स है तो वाई को वाई की जगह छोड़ दो और पी ऑफ एक्स की जगह मैंने किसको लिख दिया, 2x-4 को। तो ये बन गया हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। चलो अगर ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, तो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास, आपको पता था कि हम लोग एक डब्बा बनाते थे, ठीक है, और इस डब्बा में क्या करते थे हम लोग, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के बाद यहाँ लिखते थे क्या एक्स, और यहाँ लिखते थे क्या वाई, ठीक है। चल अब आपको ध्यान देना है, जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि कोशिश करना कि हमेशा, ठीक है, जो भी यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू उससे आपको किसका वैल्यू मिलेगा, वाई का, ठीक है। मतलब हम एक काम करेंगे, एक्स का वैल्यू रखते चले जाएंगे और हमें किसका वैल्यू मिलते जाएगा, वाई का वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, एक्स का जगह वैल्यू कुछ रखेंगे तो कुछ आंसर आएगा, वो आंसर किसके में दिखाई देगा, वाई नाम के वेरिएबल में दिखाई देगा। सो हमें क्या करना है, एक्स में वैल्यू लेना है, क्या लेना है, एक्स में वैल्यू लेना है, ठीक है। अगर हमें एक्स में वैल्यू लेना है तो आपको सोचना है एक्स में क्या क्या वैल्यू लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या वैल्यू लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए हमें सोचना है, ऐसा सोचना है, ठीक है, कि हमें आंसर मतलब हमें एक्स का जो भी वैल्यू रखना है, ऐसा वैल्यू रखना है जिसके चलते हम बोल सकें कि हमारा जो एक्स है, जो यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, वहाँ पे कैसा वैल्यू रखना है हमें, एक बार पॉजिटिव, एक बार ज़ीरो और एक बार नेगेटिव। क्या रखना है वैल्यू दोस्तों, हमें एक बार रखना है पॉजिटिव, एक बार एक्स का वैल्यू रखना है नेगेटिव, और एक बार क्या रखना है, ज़ीरो। चलिए तो हम एक काम करते हैं, एक्स का कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं जो आपको पसंद आता हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू मत लेना, ठीक है। चलो देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक्स का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं हम लोग करके। जैसे मान लो हमारे पास वाई बराबर 2x-4 है ना, तो मैंने यहाँ पे x बराबर कितना रखा, मान लो मैंने 1 रखा, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1-4, मतलब y बराबर 2-4, मतलब y बराबर कितना आएगा, -2, ठीक है। अगर x का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू आपको कितना मिलता है, -2 मिलता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू एक बार कोई नेगेटिव रख लेता हूँ, तो नेगेटिव रखने का मतलब बच्चों क्या होगा, y बराबर 2 × -1-4, मतलब -2-4, इट मीन्स y बराबर कितना जाएगा, -6। तो अगर x का वैल्यू आप -1 रखते हो तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, -6, ठीक है। चलो उसी तरह से अब एक बार हमें अब हमें क्या करना है, एक बार x का वैल्यू 0 रखना, हमेशा क्या करना है, जो भी आप x का वैल्यू रखोगे एक बार क्या रखना, पॉजिटिव, एक बार क्या रखना नेगेटिव, और एक बार क्या रखना 0। ध्यान देना इस बात को, ठीक है, कोशिश करना इसी टाइप का वैल्यू रखने का। अगर यही y बराबर 2x-4 है और यहाँ पे मैं x का वैल्यू कितना रखता हूँ, 0 रखता हूँ बच्चों, तो ध्यान देना क्या होगा, ये हो जाएगा y बराबर 2 × 0-4, मतलब y बराबर 0-4, मतलब y बराबर -4। तो 0 रखना जैसे ही हम लोगों ने x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आया, -4। तो इससे हमें तीन टाइप का पॉइंट हमें रख दिया x की जगह पे, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव और एक बार 0। आप भी कोशिश करना हमेशा ऐसा ही पॉइंट लेने का, जब भी ग्राफ बनाते हो तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हम हमेशा कोशिश करेंगे वैसे x के वैल्यूज रखने का जो कि या तो एक बार पॉजिटिव होगा, या तो एक बार नेगेटिव होगा, या तो एक बार 0 होगा, ठीक है। चलिए
अब ध्यान देना बच्चों क्या करना है, अब एक चीज़ समझ के चलना, मैंने यहाँ एक्स का वैल्यू क्यों लिया, ठीक है, वाई का वैल्यू हम लोग शुरुआत में क्यों नहीं रख सकते हैं, रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप चाहे तो पहले वाई का वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेना कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो इच्छा, आप पहले एक्स रख लो चाहे आप वाई रख लो, सॉल्व तो आपको इक्वेशन करना है, अगर आप एक्स रखते हो अलग अलग वैल्यू तो आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर आप वाई रखते हो तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई वैल्यू रख सकते, लेकिन कोशिश करना, कोशिश क्या करना, ध्यान देना, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है तो आप एक्स का वैल्यू रखना, अगर यही चीज़ रहता पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई तो आप क्या करते हैं, आप y का वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तब उस केस में अगर यही चीज़ p ऑफ y बराबर 2y माइनस 4 रहता है, यहाँ पे मान लो क्या रहता, p ऑफ y बराबर 2y माइनस 4 रहता, तो आप इस चीज़ को बोलते हैं कि ये मान लेते हैं हम x बराबर p ऑफ y के फॉर्म में, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते तब, तो p ऑफ y पूरे को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ p ऑफ x बराबर इतना दिया गया है ना, तो हम लोग p ऑफ x को क्या मान लिए, y, उसी तरह से अगर यही p ऑफ y दिया रहता तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x बराबर p ऑफ y, तो ये हो जाता हमारा x बराबर 2y माइनस 4, ठीक है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, y का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देना, बाकी आप कोई भी वैल्यू रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइदर आपकी मन करे x का रखना है रखो, y का वैल्यू रखना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से आंसर मिलेगा, तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हम ग्राफ अपना आराम से बना सकते हैं, तो मान लीजिए मैं इस वाले चीज़ को रब कर रहा हूँ, ध्यान देना क्योंकि ये चीज़ आपको पता है, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ भी बहुत बार, ठीक है, ऐसे नहीं मान लो आपको पता है, ये चीज़ को लिख लें फिर आगे आगे, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस पॉइनोमियल का, इस लीनियर पॉइनोमियल का हम क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू वाई मानने के बाद ये इक्वेशन बन गया, उस इक्वेशन का हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब इस बेसिस के, इस पर्पस के बेसिस पे हमें ग्राफ बनाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनता है, ये आप समझ सकते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ठीक है, ये एक्स डैश, सॉरी ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये पूरा एक्स एक्सिस का ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब ध्यान दो आपको x में देखो वैल्यू, x का वैल्यू, इसी से हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, ग्राफ जो भी है, ये काम आपको कहाँ करना है बच्चों, ये काम आपको करना है ग्राफ पे, जो आपको ग्राफ कॉपी मिलता है, छोटा सा ग्राफ कॉपी आप खरीद लेना, वहीं पे इन चीज़ों का काम करना, ठीक है, ताकि आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा, ठीक है, देखो x का वैल्यू को आप ध्यान से देखो, x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में 1 है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हम लिख देते हैं 1, 2, ठीक है, और ये 3, पॉजिटिव मैक्सिमम कितना है 1, तो अपना मन से एक दो बढ़ा देते हैं, नेगेटिव में कितना है बच्चों, -1, तो इसको हम अपना मन से एक दो बढ़ा के लिख देते हैं, बाकी हमें चाहिए कितना, -1 एक्स में, ठीक है, और एक जीरो तो हमको यहाँ दिख ही रहा है, उसके बाद वाई को ध्यान से देखो, वाई में पॉजिटिव में एक भी वैल्यू नहीं है, तो बस मैं एक दो लिख देता हूँ ऐसे ही एक्स्ट्रा में, बाकी कहाँ तक गया है, मैक्सिमम -6 तक गया है, मतलब -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, यहाँ तक हमारा वाई का वैल्यू गया है, ठीक है, नेगेटिव में, ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा जो एक्स और वाई के बेसिस से मैक्सिमम कहाँ कहाँ तक पॉइंट गया वो हम लोगों ने ग्राफ पे मेंशन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे क्या, अब अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, बट ग्राफ प्लॉट करने के लिए ध्यान देना कैसे, तो हमेशा हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता है वो पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद होता है, तो वो पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने के बाद, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा x, y के फॉर्म में 1, -2, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, ये सारे क्या है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर हम लोकेट करते हैं तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, यही एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हमारे सारे पॉइंट्स निकले हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, दूसरा हमारा क्या है -1, -6, और तीसरा हमारा क्या है 0,
माइनस फोर। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को हमें प्लॉट करना। चलो देखते हैं वन कॉमा माइनस टू कहाँ है। तो ये वन एक्स पे और माइनस टू कहाँ है बच्चों, यहाँ पे। तो वन कॉमा माइनस टू मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा है वन कॉमा माइनस टू। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या है हमारा, माइनस वन कॉमा माइनस सिक्स। तो माइनस वन कॉमा, ठीक है, माइनस सिक्स कहाँ है बच्चों, यहाँ है माइनस वन कॉमा, ये हमारा क्या है माइनस सिक्स। ये मेरा माइनस वन कॉमा माइनस सिक्स, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया माइनस वन कॉमा माइनस सिक्स। ठीक है, ग्राफ है तो आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक है, मेरा तो ग्राफ है नहीं, मैं तो व्हाइट बोर्ड पर बना रहा हूँ, तो मेरा एक्यूरेसी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली एक्यूरेट आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब हमारा दूसरा क्या है बच्चों, तो हमारा दूसरा है जीरो कॉमा माइनस फोर। तो जीरो कॉमा माइनस फोर बोलने का मतलब जीरो कॉमा माइनस फोर कहाँ होगा, सोचो आप। तो जीरो कॉमा माइनस फोर कहाँ होगा बच्चों, तो देख सकते हो आप एक्स जीरो है और वाई पे माइनस फोर है। तो ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कॉमा माइनस फोर। इसको क्या बोलते हैं, जीरो कॉमा माइनस फोर। देखिए एक्स जीरो है, y कितना है माइनस फोर, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जीरो कॉमा माइनस फोर हो गया। ठीक है, अगर यही रहता जीरो कॉमा फोर, तो जीरो कॉमा फोर कहाँ होता है, x जीरो है बट y कितना है पॉजिटिव का फोर, तो ऊपर होता जीरो कॉमा फोर। ठीक है, इस एक्सिस पे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर यही रहता फोर कॉमा जीरो, ठीक है, तो x फोर है और y जीरो है, तो x फोर बोलने का मतलब इस पॉजिटिव x एक्सिस पे जहाँ फोर होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोर कॉमा जीरो। ठीक है, और अगर यही चीज़ रहता है माइनस फोर कॉमा जीरो, तो माइनस फोर एक्स पे यहाँ है और वाई, मतलब सीधी सी बात है, एक्स और वाई में से अगर कोई भी एक चीज़ जीरो रहे दूसरा वैल्यू दिखाई दे, तो हमारा वो पॉइंट एक्सिस पे लोकेट होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे ये तीन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे अब दोस्तों, तीन तीनों पॉइंट्स को हम अब कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला बच्चों, तो इससे हमें यह पता चला कि इस लीनियर पॉलीनोमियल का जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, अब चीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, नोट में एक पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा हूँ कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे लीनियर पॉलीनोमियल का, मतलब जिसका डिग्री कितना होगा, वन होगा, तो याद रखिएगा उस लीनियर पॉलीनोमियल का जो भी ग्राफ बनेगा, मतलब कुछ भी कर लो, लीनियर पॉलीनोमियल का अगर ग्राफ बनाते हो अगर आप, तो उस लीनियर पॉलीनोमियल ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा, ये कन्फर्म है। मतलब आपको याद रखना है, सीधी सी बात है कि अगर हमारे सामने कभी भी लीनियर पॉलीनोमियल दिखता है, तो उस लीनियर पॉलीनोमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो उस लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल कैसा होगा, तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल कैसा होगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हो सकता है आपको एक इक्वेशन लिख दे, चाहे आपको लिख दे सीधा सा कि एक पॉलीनोमियल है, बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ लीनियर पॉलीनोमियल का है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, लीनियर पॉलीनोमियल ग्राफ हमेशा कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना, दूसरी बात नोट का दूसरा बात क्या है ध्यान देना है, कि अगर हमारा पॉलीनोमियल इन वेरिएबल कितना है एक्स, मतलब मैं इस चीज़ को वाई बराबर पी ऑफ एक्स बोल सकता हूँ, पी ऑफ एक्स हमारे पॉलीनोमियल के रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और इस पी ऑफ एक्स को मैं वाई के बराबर मान सकता हूँ। तो अगर वाई बराबर पी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, मतलब पॉलीनोमियल इन क्या है, पॉलीनोमियल इन वेरिएबल कितना है एक्स। ठीक है, पॉलीनोमियल इन वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, अगर वाई बराबर पी ऑफ एक्स है, मतलब पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है,
ग्राफ कैसे बनाना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद आपको पता है कि लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। और स्ट्रेट लाइन बनने के बाद आपको क्या ध्यान देना, आपको निकालना क्या है, जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को किस जगह काटता है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बन जाएगा ना, तो आपको क्या देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किस जगह पे काटता है। तो आप देख सकते हो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा ये लाइन स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा 2, 0, ठीक है। 2, 0 मतलब एक्सिस पे लोकेट कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पे लोकेट कर रहा पॉजिटिव एक्सिस पे। तो हमको पता है जब पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2, 0 मतलब यहाँ आप ध्यान से देखो एक्स का वैल्यू कितना है, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या चाहिए था बच्चों, हमें चाहिए था जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल। तो आप देख सकते हो जिस एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को काटा, ठीक है ना, वही पॉइंट में जो हमारा एक्स का वैल्यू होता है, वही एक्स का वैल्यू हमारा क्या कहलाता है बच्चों, तो वही हमारा कहलाता है जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल। वो क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलीनोमियल। मतलब सीधी सी बात है, जब वाई बराबर पी ऑफ एक्स नाम का पॉलीनोमियल है तो पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स है अगर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉइंट एट एक्स एक्सिस चाहे से कर सकते हो, लिख सकते हो द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन cuts the x-axis is called the zeros of the polynomial, ठीक है। तो y बराबर p of x नाम का polynomial था, तो हमने क्या देखा कि जिस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख लें, और कोऑर्डिनेट लिखने के बाद जो एक्स का वैल्यू होगा वही एक्स का वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखा, पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स पी ऑफ एक्स का मतलब है, तो उस केस में द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन कट्स द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। इस तरह से हम पता कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से कि हमारा जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होगा। तो बच्चों ये चीज़ इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ बिकॉज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपके पास एक पॉलीनोमियल लिख के दे देगा और उसका एक ग्राफ बना देगा, और ग्राफ बनाने के बाद पूछेगा कि बताओ इस ग्राफ से देख करके कि इस पॉलीनोमियल का जीरोस क्या है। तो आपको ध्यान से देखना है कि वो पॉलीनोमियल वेरिएबल इन एक्स है या पॉलीनोमियल इन वेरिएबल वाई है, ठीक है। अगर पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स है तो आप देखना कि वो कैसा पॉलीनोमियल, अगर वो लीनियर पॉलीनोमियल है तो वहाँ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो चेक करना वो एक्स एक्सिस को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेगा वही पर्टिकुलर पॉइंट में जो एक्स का वैल्यू होगा वही एक्स का वैल्यू हमारा कहलाएगा जीरोस। और लीनियर था इसीलिए जीरोस कितने दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, तो एक ही जीरोस हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से हम बच्चों बात कर सकते हैं लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोस के बारे में। हाँ, अगर यही चीज़ एक्स बराबर पी ऑफ वाई होता, मतलब पॉलीनोमियल इन वेरिएबल वाई होता, तो अगर पॉलीनोमियल इन वेरिएबल वाई होता तो हम चेक करते कि हमारा स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहा है। क्या बात करते हम कि हमारा स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहा है, तो वाई एक्सिस को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता तो वहाँ पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और कोऑर्डिनेट लिखने के बाद जो भी वाई का वैल्यू होता उस वाई के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉइंट। याद रखिएगा पॉइनोमियल इन वेरिएबल एक्स रहा,
तो एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन कहाँ काट रहा है, अगर पॉलीनोमियल वेरिएबल वाई रहा है तो चेक करेंगे कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, बस यही फंडा है यहाँ पे, बस यही चीज़ आपको जानना है। ठीक है, और यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं उन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, आपका बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ज्योमेट्रिकली कि जीरोज़ ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है। तो आप इस चीज़ का स्नैपशॉट ले ले बच्चों, फिर हम बात करते हैं आगे किस चीज़ का, हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। चलिए बच्चों, बात करते हैं अपने हम सेकेंड वाले पॉइंट का, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मतलब क्या, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसका, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। ठीक है, यहाँ मैं बात किसका कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब बच्चों डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री होगा 2। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, है ना। और अगर डिग्री 2 है बच्चों तो ज़ीरोज़ या बोल सकते हो सॉल्यूशन या बोल सकते हो रूट्स, ठीक है, कितने होंगे बच्चों, तो रूट्स भी ज़ीरोज़ भी या सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 2। मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स बोल सकते हो वो कितने होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। बिकॉज मैंने क्या बताया था, जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ज़ीरोज़ मैथमेटिकली कैसे निकालना, मैंने कुछ देर पहले बताया भी था आपको समझा करके। ठीक है, चलिए तो अगर मैथमेटिकली बात किया जाए तो आपको पता है कैसे निकालना है, वो मैं चीज़ अब नहीं बताऊंगा, मैं बात बस अब ग्राफिकल का करूंगा। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर ग्राफिकल मेथड के बेसिस पे इसका हम जीरोज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, हम जानते हैं कि y बराबर क्या होगा, p ऑफ x होगा। तो इस हिसाब से y बराबर क्या लिखोगे बच्चों, y बराबर p ऑफ x, मतलब p ऑफ x का जो भी वैल्यू आएगा उसको हमने क्या माना, y माना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो उस हिसाब से y बराबर p ऑफ x को क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब x का जो वैल्यू डालूंगा, वैल्यू डालने के बाद एक और आंसर आएगा, उस आंसर को मैं किस में असाइन कर रहा हूँ, y में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, बिकॉज हमें ग्राफ बनाने के लिए x और y दोनों वेरिएबल को होना ज़रूरी है ना, इसीलिए हम लोग y बराबर p ऑफ x मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये आ गया बच्चों क्या, तो ये हमारा आ गया दो वेरिएबल वाला इक्वल टू साइन के साथ क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये बन गया है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं इसका ग्राफ, मतलब कोऑर्डिनेट्स, और उस कोऑर्डिनेट से हम बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है बच्चों तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया था, आप एक डब्बा बना लो, और डब्बा बनाने के बाद ठीक है आप क्या करोगे, एक्स और वाई का वैल्यू लोगे। कैसे वैल्यूज लेंगे, तो हम लोग एक बार लेंगे पॉजिटिव, एक बार लेंगे नेगेटिव, और एक बार लेंगे ज़ीरो। तो एक्स का वैल्यू लेते हैं बिकॉज पॉइनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, मैंने क्या बताया था, जिस वेरिएबल में पॉइनोमियल है उसी का वैल्यू आप लेना शुरू कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइनोमियल इन वेरिएबल एक्स है इसीलिए हम एक्स का वैल्यू लेना शुरू करेंगे, तो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार ज़ीरो। चलिए हम करते हैं शुरू और पॉइंट्स लेना शुरू करते हैं। तो वाई मान लो हमारे पास वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 नाम का पॉइनोमियल था, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और इसमें हम x वैल्यू लेते हैं सर पॉजिटिव के नाम पे, मान लो हम ले लेते हैं कितना, चलो मान लो ले लेते हैं हम लोग, चलो 3 ले लेते हैं ना, तो चलो 1 ही ले लेते हैं, x वैल्यू कितना लेते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4, इट मीन्स y बराबर कितना माइनस 3। तो अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा माइनस 3। ये काम आप माइंड में भी कर सकते हो, बस मैं समझा रहा हूँ इसीलिए आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर से एक बार लिख देता, हो सकता है आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो मैंने x बराबर कितना लिया 1, ये हो जाएगा y बराबर 1 स्क्वायर माइनस 4, मतलब y बराबर 1 माइनस 4, मतलब y का वैल्यू माइनस 3। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आया माइनस 3। आप माइंड में भी कर सकते हो कैलकुलेशन, बाकी आप पे डिपेंड करता है ना। चलो उसी तरह से अब एक बार x का वैल्यू नेगेटिव रखते हैं हम लोग, तो x बराबर मैंने माइनस 1 रख लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, इट मीन्स
यहाँ भी कितना आएगा, 1 माइनस 4 मतलब वाई का वैल्यू -3, मतलब -1 रखेंगे भी तो कितना है बच्चों, -3। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार एक्स का वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 0, ठीक है, पॉजिटिव रख लो एक बार, एक बार नेगेटिव, एक बार 0। तो वाई बराबर 0 का स्क्वायर -4, इट मीन्स वाई बराबर 0 माइनस 4, इट मीन्स वाई का वैल्यू -4। तो जब हम लोगों ने 0 रखा तो कितना मिला, -4 मिला। तो हम लोगों ने एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों रख लिया, और इन चीज़ों के बेसिस पर हम क्या बनाएंगे बच्चों, तो हम बनाएंगे ग्राफ, है ना। चलिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, फिर से वही बात, हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे पास होगा एक्स एक्सिस और हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये हमारा ओरिजिन 0,0, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारा ये एक्स का वैल्यू को आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना गया है, 1। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, 1, ये हमारा क्या है 2 और ये हमारा 3। नेगेटिव में मैक्सिमम कितना, -1। तो चलिए एक एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं 2, है ना। उसके बाद ओरिजिन तो ही गया है, वाई में नेगेटिव में मैक्सिमम सारा वैल्यू गया है, -1 -2 -3 -4, और पॉजिटिव में वाई का एक भी वैल्यू नहीं है, तो एक वैल्यू लिख करके हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है 1,-3, दूसरा -1,-3, तीसरा 0,-4, है ना। चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट्स क्या है बच्चों, तो 1,-3, तो 1,-3 कहाँ होगा, ये है हमारा 1 और ये हमारा -3, तो 1,-3 कहाँ होगा, तो ये हमारा 1,-3, मतलब ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा 1,-3। दूसरा क्या है, -1,-3, -1,-3 कहाँ होगा बच्चों, तो ये है हमारा -1,-3, मतलब ये हमारा हो गया -1,-3, ठीक है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा 0,-4। तो 0,-4 मतलब x 0 है और y नेगेटिव -4 तो यहाँ हो जाएगा, तो ये पॉइंट है हमारा 0,-4, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं, नोट में चीज़ याद रखिएगा, क्या तो नोट में चीज़ याद रखिएगा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है बच्चों, तो पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है, ठीक है, तो पैराबोला एक प्रकार का क्या है बच्चों, कर्व। कर्व मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स हमारा कभी भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं होगा। कब, जब डिग्री 2 का बात करेंगे तब, ठीक है। मतलब इसका शेप हमेशा किसका फॉर्म में होता है, पैराबोला के फॉर्म में। मतलब ये पैराबोला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बच्चों, तो पैराबोला जो होगा इस प्रकार का दिखाई देगा, यू शेप का, ठीक है। अब इस यू शेप हो सकता है, ऊपर की तरफ इसका मुँह खुला हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अगर यही यू शेप कहाँ खुला हो, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, ठीक। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस यू शेप का जो ग्राफ बना होगा, ये यू शेप आपको नीचे की तरफ दिखाई दे ऐसे, ठीक है। अब ये हो सकता है यहाँ नहीं, ये हो सकता है यहाँ से ऐसे करके गया हो, ये हो सकता है यहाँ नीचे से ऐसे गया होगा, उसको डिपेंड करता है, ठीक है, इक्वेशन पे, कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है। बस एक मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अगर यू शेप का यू किधर खिला हो, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खिला हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है कि ये हमारा जो यू शेप टाइप का ग्राफ बन रहा होगा, इसका मुँह किधर खुला हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुँह खुला हुआ हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट वार्ड पैराबोला, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है इसका मुंह किधर खिला हुआ, इसकी ओर खुला हुआ हो, नेगेटिव एक्सेस की ओर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वार्ड
पैराबोला। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है, कि हमारा जो पैराबोला यू शेप टाइप का ग्राफ बनेगा, ध्यान देना बाबू, यू शेप टाइप का ग्राफ। तो इस टाइप यू शेप टाइप के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो ये पैराबोला हो सकता है उसका यू शेप जो मुंह खुला होगा जो पॉजिटिव वाई एक्सिस तरफ मुंह खुला होगा, इसीलिए इसका नाम रखा अपवार्ड, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है इसीलिए अपवार्ड पैराबोला। ठीक है, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डाउनवर्ड पैराबोला। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर मुंह खुला हो राइट साइड में तो राइटवार्ड पैराबोला, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका मुंह खुला होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्टवार्ड पैराबोला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इक्वेट किया गया है किसी चीज़ से, तो याद रखिए अगर डिग्री टू आपको कहीं दिख जाए कि निश्चित है 100% श्योर है उसका ग्राफ जो बनेगा वो एक पैराबोला शेप का बनेगा ही बनेगा, मतलब एक कर्व दिखाई देगा। मतलब अगर इस चीज़ का हम ग्राफ बनाने का बात करें तो याद रखिएगा बच्चों, इसका ग्राफ अब जब कनेक्ट होगा इसका ग्राफ कनेक्ट होगा किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये कर्व से इसका ग्राफ कनेक्ट होगा और कर्व से कनेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये भी कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, जिधर से ये क्रॉस करेगा, ठीक है, मतलब जितना दूरी पे ये क्रॉस करेगा उतना ही दूरी पे ये भी क्रॉस करेगा, ये कन्फर्म है। मतलब सीधी सी बात है बच्चों कि अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, हमारा तो ये इतना ही पॉइंट निकला है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये पॉइंट्स हम लोग क्यों लेते हैं, देखिए पॉइंट्स हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमारे ग्राफ को बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। जितना ज़्यादा पॉइंट होगा ग्राफ उतना और ज़्यादा आपका एक्यूरेट बनेगा। मतलब अब आप सोच रहे हो कि हमारा तीन ही पॉइंट निकला तो हमारा तो इतना छोटा सा बनेगा यू, देखिए ये कर्व है बाबू कितना दूर भी जा सकता है, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना कन्फर्म है, अब आपका आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहीं से क्यों जाएगा, ठीक है ना, इधर से तो जा सकता है, जी नहीं ये यहीं से जाएगा, क्यों जाएगा ये आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। मतलब जितना पॉइंट आप बढ़ाते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो तीन ही पॉइंट लिया ना, इसकी जगह पे आप 2, 3, 4 और भी कुछ कुछ ले सकते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको जितना हो सके उतना पॉइंट्स बढ़ा करके लोगे तो एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा आपका ग्राफ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोगों को अभी फिलहाल इस सबका ग्राफ बनाने के लिए नहीं, बस आपको ढूंढने के लिए बोलेगा जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताओ। ठीक है, तो वो सब चीज़ आप समझ जाओगे। बाकी इतना ध्यान देना आप कि जितना ज़्यादा हम पॉइंट्स बढ़ाते हैं तो हमारा ग्राफ में एक्यूरेसी उतना ज़्यादा आता है। ठीक है, और ये सब चीज़ तरीका आप सीखोगे सीनियर क्लासेस में जब जाओगे तो कैसे तुरंत इन चीज़ों का ग्राफ हम आसानी से बना ले, वो सब चीज़ का बेसिक कंसेप्ट आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे डायरेक्ट, बिना इतना काम किए डायरेक्ट हम ग्राफ बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे सीनियर क्लास में, बट आपके लिए उतना नहीं है फिलहाल। आप बस इतना चीज़ ध्यान दें कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ का जब बात होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप का बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला शेप जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ग्राफ है। तो इस तरह से दिख सकते हो, अब यू शेप दिख रहा है, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, मतलब ये एक अपवार्ड पैराबोला है। ठीक है, अब सवाल था कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जीरोज निकालने का मतलब क्या है, तो बच्चों जीरोज निकालने का मतलब ये है कि हमारा पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स था, ठीक है ना, पॉलीनोमियल इन वेरिएबल क्या था, एक्स था। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किस किस जगह काटा है, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को इस जगह पर काटा है और इस जगह पे काटा है। तो ये जो दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही हमारे क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, एक 2 है और दूसरा क्या है, -2। तो यही 2 और -2 हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब दो जीरोज आने चाहिए थे, तो आप देख सकते हो दो पॉइंट पे हमारा ये पैराबोला इन दोनों को इंटरसेक्ट किया है, दैट्स व्हाई दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना इन चीज़ों को कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ काटता है ग्राफ, ठीक है, वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरोज कहलाएगा, है ना। और आपको रिमेंबर करना है कि लीनियर पॉलीनोमियल ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ग्राफ हमारा बनेगा पैराबोलिक शेप का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जीरोज फाइंड आउट करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो ग्राफ का एक्स एक्सिस पे, अगर पी ऑफ एक्स नाम का पॉलीनोमियल है तो। अगर पी ऑफ वाई नाम का पॉलीनोमियल होता तो हम देखते कि वाई एक्सिस को हमारा पैराबोला किस किस जगह काट रहा है। ठीक है, तो जनरली तो आपको पी ऑफ एक्स ही मिलेगा आपके बुक्स वगैरह में। ठीक है, चलिए आप इस चीज़ को भी क्या कर लो,
स्नैपशॉट लेकर के लिख लो, फिर हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड लास्ट मतलब थर्ड वाले पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्यूबिक पॉलीनोमियल। चलिए बच्चों बात करते हैं अपने तीसरे लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलीनोमियल का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सीधी सी बात है क्या, यहाँ पे हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल का मतलब बच्चों कितना डिग्री, कितना हो गया, तो डिग्री हो गया 3। इससे आपको चीज़ समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज या बोल सकते हो रूट्स या बोल सकते हो सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉलीनोमियल का जीरोस फाइंड आउट होगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आने का मतलब वो 3 क्या क्या होंगे तो वो हम लोग समझेंगे ग्राफिकली। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास पी ऑफ एक्स नाम का एक पॉलीनोमियल दिया गया है एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलीनोमियल एक्स क्यू माइनस एक्स, इसका अगर आपसे जीरोज़ निकालने के लिए बोला जाए तो आप मैथमेटिकली आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप का एग्जांपल हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका जीरोज़ ग्राफिकली फाइंड आउट करने का, तो ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट होगा, तो हम जानते हैं कि वाई बराबर क्या होता है, पी ऑफ एक्स होता है, तो उस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है, अब y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स का हमें ग्राफ बनाना है, तो ये हमारा जनरेट हो गया क्या, तो इसको अब हम बोलेंगे बच्चों क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अब क्यूबिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, बिकॉज इक्वल टू का साइन यूज़ हो गया है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। और इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है बच्चों, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, तो हमें रिक्वायरमेंट है एक्स और वाई के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे उसी तरह से जो मैंने सिखाया था, एक्स और वाई लेकर के। ठीक है, चलिए, तो एक्स का पी ऑफ एक्स नाम का पॉलीनोमियल है, तो एक्स का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा एक्स का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही हमारा क्या है, वाई बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया 1, तो y बराबर 1 क्यूब माइनस 1 मतलब y बराबर 1 माइनस 1 मतलब y बराबर कितना आएगा 0, तो y का वैल्यू कितना आया 0 आया। उसी तरह से अगर x का वैल्यू हम कितना लेते हैं माइनस 1, तो एक नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1, यहाँ भी कितना आया बच्चों 0 आया, मतलब माइनस 1 पे भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अब x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, अब हम x का वैल्यू लेते हैं बच्चों कितना 0, तो अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0 का क्यूब माइनस 0 मतलब y का वैल्यू भी 0, तो ये भी 0 रखने पे कितना दिया 0 दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीन पॉइंट्स को देखेंगे कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0 माइनस 1, 0 और तीसरा कितना है 0, 0, तो इनके बेसिस पे अब हम क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम देखेंगे कि x में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, 1 तक गया है, माइनस में कहाँ तक गया है, वो भी माइनस 1 तक गया है, y में वैल्यू 0 ही गया है, कुछ है नहीं, तो 1, 1 लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत, 1, 1 चलिए माइनस 2 तक ले जाते हैं, यहाँ 2 तक ले जाते हैं ना, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। ठीक है, चलिए, अगर ये हमारा ग्राफ का एक्सिस रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर दिया, तो अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है 1, 0, एक्स 1 है वाई 0 है, तो ये हमारा क्या है बच्चों 1, 0। ठीक है, चलिए, उसी तरह से इस चीज़ का मैंने नाम लिख दिया 1, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस 1, 0, तो इसका पॉइंट का नाम हम लोग लिख दिया माइनस 1, 0। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों 0, 0, इट मीन्स ये हमारा क्या है 0, 0। ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर अभी तो तीनों पॉइंट आ गया, इसको हम कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज़, इस टाइप का सिचुएशन जब आपके सामने आए, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पॉइंट्स को क्या कर लो बच्चों, पॉइंट्स को बढ़ा लो। ठीक है, जब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो क्या करो, पॉइंट्स को और बढ़ा लो, जब कन्फ्यूज़ करना शुरू कर जाओ तो। ठीक है, चलो, क्योंकि अब हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, अब इनको कनेक्ट कैसे करें, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा। तो याद रखिएगा एक चीज़, डिग्री 1 होता है तो ही स्ट्रेट लाइन होता है, वरना बाकी सब कर्व होता है। ठीक है, तो कर्व होता है तो अब कर्व कैसे जाएगा वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, और भी पॉइंट्स बढ़ा लेंगे। जैसे मान लो अब एक और एक्स का वैल्यू मैंने 2 रख दिया,
तो देखो ध्यान से, अगर 2 रखते हो तो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो अगर एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 2 रख लिया तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, मतलब 8 माइनस 2, मतलब आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, ये मान लो हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। चलिए उसी तरह से, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। उसी तरह से मैं अगर -2 ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, में मैंने x का वैल्यू कितना लिया, -2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2 का क्यूब माइनस -2, मतलब ये हो जाएगा -8 + 2, ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये x का वैल्यू जब -2 लिया तो कितना आया, -6। तो ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को और भी हम प्लॉट कर लेते हैं, एक हमारा क्या है 2, 6 और एक हमारा -2, -6। अगर इसको हम प्लॉट करते तो ध्यान दीजिए, 2, 6 मतलब 2, 6 हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये हमारा क्या है 2, 6। अब देख सकते हो ध्यान से, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है 2, 6। तीसरा हमारा इस इधर साइड क्या है, -2, -6। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ, ये है -3, -4, -5 और -6। तो -2, -6 कहाँ होगा, तो ये होगा हमारा -2, -6, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कैसे प्लॉट होगा, इन चीज़ों को ध्यान से देखें, ठीक है, प्लॉट कैसे होगा, प्लॉटिंग किस तरह से होगा, उन चीज़ों को आप ध्यान से देखें। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कैसा, ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा पॉइंट्स के बेसिस पे इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ अब जाएगा कैसा, वो आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ हमारा ये पॉइंट ऐसे गया है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ यहाँ कनेक्ट होगा बच्चों, तो याद रखिएगा, हमारा कोई भी चीज़ कनेक्ट होगा तो वो कनेक्ट होगा कर्व से, बिकॉज़ स्ट्रेट लाइन से यहाँ हमारा ग्राफ कनेक्ट नहीं हो सकता है। मैंने ये पहले ही बता दिया, डिग्री 1 रहेगा तो ही हमारा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होगा, वरना स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हमारा पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमारा ऐसे गया कनेक्ट होने इससे कर्व, ठीक है, कनेक्ट होने गया, तो यहाँ जाने के बाद ये ऐसे नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्व मान लो थोड़ा देर के लिए कि ऐसे कर्व गया, ठीक है, कर्व कैसे गया, ऐसे गया, और फिर कनेक्ट होने के बाद यहाँ से फिर इससे जो कनेक्ट होगा वो भी एक कर्व जाएगा, और जाने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ये जब आप ढेर सारा पॉइंट लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या अपने अनुसार दिमाग लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा, ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मतलब जब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉइनोमियल का, तो क्यूबिक पॉइनोमियल ग्राफ भी आपको क्या दिखाई देगा, एक कर्व दिखाई देगा, ठीक है, तो वो कर्व आपको इस टाइप का बनता हुआ नज़र आएगा, है ना। मतलब अगर हम इसको समझें अच्छी तरह से तो हम बोल सकते हैं कि, अब ध्यान देना, हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो बनता था वो एक स्ट्रेट लाइन बना, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा बना, एक डिग्री सॉरी लीनियर पॉइनोमियल का ग्राफ कैसा बना, हमारा एक स्ट्रेट लाइन बना, है ना। अब देखो, जब इसमें एक बार मैंने मुक्का मारा, तो एक बार मैंने मुक्का मारा, इधर से मारा चाहे इधर से मारा, बस समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना, या ऐसे चला गया, एक बार मुक्का मारा तो एक कर्व बन गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन डिग्री 1 में कुछ नहीं करना है, 0 मुक्का, ठीक है। जब डिग्री 2 का बात करते हैं तो एक मुक्का मैंने खींचा तो ऐसे बैठ गया, है ना। जब डिग्री 3 का बात करेंगे तो मैं नीचे से एक और मुक्का मारूंगा, मतलब ये तो ऐसे था ही, एक और मुक्का मारूंगा तो क्या होगा, ये और पिचक जाएगा, थोड़ा सा पिचक जाने का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस चीज़ को मैं एक मुक्का और मारूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लेना, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना किस चीज़ का, कि अगर हम बात करते हैं डिग्री 0 वाला है, मतलब लीनियर पॉइनोमियल का, तो कोई भी कर्व नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिग्री 2 वाले ग्राफ का, तो उसमें एक पॉइंटेड कर्व आपको दिखाई देगा, ये वाला पॉइंटेड मतलब क्या, इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा सर्कुलर बनता हुआ नज़र आएगा डिग्री 2 वाले में, ठीक है। लेकिन जब डिग्री 3 वाला का मैं बात करूँगा तो आपको दिखाई देगा क्या, इस टाइप का 2 पॉइंटेड कर्व बनता हुआ, ठीक है, मतलब दिख सकते हो आप इस टाइप का,
ठीक है ना। मतलब जितना डिग्री बढ़ते जाता है उतना ही ये चीज़ ऐसा ऐसा होता जाएगा उतना ही बार, ठीक है। डिग्री थ्री में आपको दो पॉइंटेड दिख रहा है, तो डिग्री फोर जब होगा तो कैसा होगा, तीन। मतलब कुछ ग्राफ ऐसा 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 बनेगा, ध्यान देना। जब बाद हमारा डिग्री थ्री का होगा ना, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा बच्चों, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, देख सकते हो आप, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, है ना, ऐसा कुछ जाएगा हमारा डिग्री फोर वाला। मतलब तीन पॉइंटेड चीज़ आपको इस टाइप का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। बस आपको समझना है कि अगर हमारा ग्राफ लीनियर पॉइनोमियल होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर हमारा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल होगा तो पैराबोलिक शेप का बनेगा, अगर हमारा ग्राफ क्यूबिक पॉइनोमियल होगा तो ये तीन चीज़ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये जो एक चीज़ ऐसे गया, दूसरा चीज़ ऐसे गया, तो ये डिग्री थ्री वाले में आपको दो पॉइंटेड इस टाइप का बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। या इसको हम लोग चेयर ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। किस ग्राफ के नाम से जानते हैं? चेयर। देखिए आपको लग रहा होगा कुर्सी ऐसे रखते हैं ना हम लोग, अगर आप कुर्सी रखने का तो कुर्सी को ध्यान से देखोगे तो कुर्सी थोड़ा सा आपको ऐसा नज़र आएगा दूर से, नहीं लगता है इस टाइप का, तो इसीलिए इसका नाम चेयर ग्राफ। देखिए आपको कुछ उस टाइप का ही बिहेवियर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग चेयर ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं किसका, जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलीनोमियल का। तो ध्यान देना यहाँ पे, नोट में मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल इस कॉल्ड अ चेयर ग्राफ। इसको हम किस ग्राफ के नाम से जानते हैं? चेयर ग्राफ टाइप का नाम जानते हैं, ठीक है ना। चाहे बोल सकते हो द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल इज इन द शेप ऑफ अ चेयर। चेयर के शेप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया बच्चों, जीरोस का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीरोस मतलब वाई बराबर पी ऑफ एक्स, पॉइनोमियल इन वेरिएबल एक्स वाला अगर ग्राफ है, तो पॉइनोमियल इन वेरिएबल एक्स का ग्राफ अगर है तो सीधी सी बात हम देखेंगे कि ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है। तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा है, तो ये तीन पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक्स के, यही हमारे कहलाएंगे जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉइनोमियल। मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस वन, ज़ीरो और वन, ये तीन जो वैल्यू दिखाई दे रहे हैं एक्स के, यही आपके क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बात वही है, समझने वाला है, ठीक है ना। तो सिंपल सा चीज़ है फ्रेंड्स, क्यूबिक पॉइनोमियल ध्यान देने का क्या है कि ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा किसका कैसा दिखता है। लीनियर ग्राफ आपको कैसा दिखता है? तो लीनियर ग्राफ हमें दिखता है स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा दिखता है? पैराबोलिक शेप का, मतलब एक कर्व ऐसे थोड़ा पॉइंटेड टाइप का नज़र आएगा, ठीक है। पॉइंटेड नहीं, मतलब थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का आगे घुमा हुआ। अगर बात करते हैं क्यूबिक पॉइनोमियल का, तो दो जगह आपको घुमा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन चेयर का शेप का दिखेगा, लगेगा आपको चेयर पे रखा हुआ। मतलब समझ सकते हो इस तरह से दिखेगा ग्राफ आपको, या तो बोल सकते हो, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ दिखाई दे सकता है आपको, है ना। ये सब टाइप का शेप आपको नज़र आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, दिख सकता है आपको स्टेप चेयर टाइप का ग्राफ, इस टाइप का शेप आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये शेप आपको नज़र जहाँ भी आ जाए, समझ लीजिए कैसे हमारा किसका एग्जांपल है, तो ये सब हमारा एक चेयर ग्राफ का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस टाइप का शेप जहाँ चेयर जैसा दिखाई देता होगा आपको नज़र आएगा, लगेगा चेयर रखा हुआ उस टाइप से, इसलिए इसको हम नाम बोलते हैं चेयर ग्राफ, या चेयर ग्राफ का चेयर जैसा शेप दिखता है इस ग्राफ का, दैट्स वाई इसका नाम चेयर ग्राफ है ना। ये देख सकते हो इस टाइप का यू शेप टाइप का दो दो जगह निकला हुआ नज़र आएगा, जहाँ नज़र आया समझ लेना वो डिग्री थ्री मतलब क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो ग्राफ के बेसिस पे आपके सामने मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही डिटेल मैंने बता दिया है, बस बेसिक आपको ध्यान देना, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे इसी के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस जो कि ग्राफ के ऊपर आपको दिखाए जाएंगे वहाँ, जिस हाँ मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा ग्राफ लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। फिर आपको ग्राफ दिखाने के बाद मैं पूछूंगा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ मैं आपसे क्वेश्चन के बेसिस पर पूछूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू
और आपको ध्यान देना है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है।